नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूँ योगी सारस्वत और आज हम चलेंगे अपने जो कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रूट है, हमारा जो लक्ष्य है उस पर आज जम्मू से उधमपुर तक की यात्रा करेंगे ट्रेन से, पैसेंजर ट्रेन से करेंगे। ये एक्चुअली लाइन जो शुरू हुई जम्मू से उधमपुर वाली, ये बनना तो स्टार्ट हुआ था समझिए 1983 में, और ये 53 किलोमीटर लंबी लाइन बनाने में 1983 से फाइनली शुरू हुआ 21 साल बाद अप्रैल 2005 में। मतलब 53 किलोमीटर लंबी लाइन बनाने में हमें करीब करीब 21 साल लग गए। सोचने वाली बात है। जम्मू से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी यात्रा और बजालता पहुंच चुके हैं। आप स्टेशन देखते जाइए, मैं बात करता जाऊंगा। ये जो लाइन है इसमें, जम्मू से उधमपुर वाली जो लाइन है इसमें टोटल 20 टनल्स आएंगे और 158 ब्रिजेज आएंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल था बनाना, और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उन्हें काट के बनाया गया है, तो टाइम डेफिनेटली लगा और बजट भी कहते हैं कि 10-15 गुना हो गया था। इसमें जो सबसे लंबी टनल आएगी वो 2.5 किलोमीटर की है और ब्रिज की जो हाइट है मैक्सिमम वो 77 मीटर के आसपास की है। इसे लैग जीरो लाइन बोलते हैं, लैग जीरो। इस लाइन पे जो जम्मू से शुरू होती है इसे लैग जीरो लाइन बोलते हैं। यहाँ से एक चीज़ बताऊँ, जो अभी आपने बजालता देखा स्टेशन, वहाँ से प्रपोज है कि पुंछ तक के लिए ट्रेन चलेगी कभी। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि जम्मू में पहले रेलवे लाइन नहीं हुआ करती थी। जम्मू में रेलवे लाइन बहुत पहले से है, 1897 में भी जम्मू में रेलवे स्टेशन हुआ करता था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, लेकिन वो स्टेशन कनेक्टेड था सियालकोट से पाकिस्तान में जो है, लेकिन फिर क्योंकि पार्टीशन हो गया तो सियालकोट उधर चला गया और जम्मू फिर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया रेलवे लाइन से, और पठानकोट से फिर जम्मू को जोड़ा गया बहुत दूर में। इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, आजकल आप जिस ट्रेन को झेलम एक्सप्रेस बोलते हैं सब जानते होंगे, झेलम एक्सप्रेस पहले कभी कश्मीर एक्सप्रेस हुआ करती थी। आई थिंक ये आप लोगों के लिए नया रहेगा। और जो आजकल जम्मू मेल चलती है, जम्मू मेल जानते होंगे, जम्मू मेल को उस टाइम पे श्रीनगर एक्सप्रेस बोला जाता था। तो आई थिंक ये थोड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी सी है और अच्छी जानकारी है, रोचक जानकारी है, तो मुझे लगा कि मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ। इस लाइन पे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जम्मू से उधमपुर तक की जो लाइन है 53 किलोमीटर की, बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। DMU चलती हैं और कई सारी DMU चलती हैं, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना काल के बाद धीरे धीरे शुरू हो रही हैं तो अभी वो फुल फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पाई हैं। इसमें रामनगर J&K, मतलब जम्मू कश्मीर का जो रामनगर स्टेशन है, वो दोनों मतलब उधमपुर और जम्मू को छोड़ दें तो वो सबसे बिजी सा लगता है। और एक स्टेशन अभी आपने देखा होगा मनवाल में उतरा था बाद में। मनवाल के पास में बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं, बहुत पुराने, तो वो मैं आगे आके दिखाऊंगा अगले वीडियो में। अभी मैं जैसे ये आ गया मनवाल, मैं इससे निकल के उतर के दूसरी बार में और आसपास बहुत घूम के आया। मैं वो मंदिर भी दिखाऊंगा आपको, अननोन है लेकिन बहुत पुराने हैं।
जी रामनगर पहुंच गए। रामनगर पे आपको सुबह और शाम अच्छी तो उधमपुर तक ही जा रहा हूँ। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जॉब करते हैं वो उधमपुर जाते हैं और उधमपुर से फिर डेली अप डाउन करते हैं, तो अच्छी खासी भीड़ मिलती है। बैंक वगैरह में जो लोग काम करते हैं या स्कूल के जो अध्यापक वगैरह हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इवन के स्टूडेंट्स को भी बहुत देखा यूनिफॉर्म में, तो लगा कि हाँ ये मेन उनका वो रहा होगा। कि बाकी स्टेशन से मैंने अप डाउन करते हुए नहीं देखा लोगों को, रामनगर से बहुत ज़्यादा लोगों को देखा। रामनगर जे एंड के अच्छा उधमपुर जाएंगे तो पांडव मंदिर, मतलब जिन्हें क्रिमची मंदिर भी बोलते हैं, वही एक अच्छा पॉइंट है उधमपुर में, उसे देखना मत भूलिएगा। हालांकि उसका वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ और अपने इस वीडियो का एंड भी इस फोटो से करेंगे। उधमपुर पहुंच गए और बड़े लड़ाकू विमान उड़ते रहते हैं उधमपुर का बहुत ज़्यादा, इवन कि आप फ़ोन पर भी बात करते हैं तो बड़ी यहाँ पे कहीं बहुत सारे लड़ाकू विमान, राफेल भी देखा हमने इधर। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मज़े तो चले ही रहे हैं आपके भी और मेरे भी। थैंक यू।